हेलो एवरीवन, एन के एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी के दर्जा की बातें काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन आपको बता दें यह प्रक्रिया लगभग संपूर्णता की तरफ है। आज आप अपना स्वयं इस वीडियो में के पाठक जी क्या कह रहे हैं सुन सकते हैं। जैसे ही उनका वीडियो शुरू होगा, सबसे पहले उन्होंने यही कहा है कि आपके राज्य कर्मी का कार्य पूरा हो गया है, राज्यकर्मी तो आप बन ही जाएंगे। इस तरीके से ही उन्होंने अपने वक्तव्य का शुरुआत किया है। साथ में उन्होंने अपने वीडियो में बीएड और डीएलएड के लिए भी कहा है कि जो शिक्षक परेशान हैं, जो कोर्ट के आदेश आ रहे हैं उनको लेकर, जिनका शिक्षण में, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर नौकरी की बात आए तो रुचि कम ही हो जाती है, लेकिन के पाठक का बयान ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चाहे डीएलएड है, बीएड है, हम सभी आपके साथ हैं, और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का तो दर्जा मिल ही गया है। इस तरीके से उन्होंने कहा है, स्पष्ट कहा है, खुद ही सुनिएगा। ये वक्तव्य उन्होंने, जो भाषा शिक्षण का ट्रेनिंग चल रहा है, 6 दिवसीय प्रशिक्षण है, उसमें उन्होंने टीचर्स के लिए ये बात उन्होंने कही है। जब वहाँ पर उनका प्रशिक्षण चल रहा था तो उस समय वो वहाँ से उन लोगों से, उन टीचर से मिलने के लिए वहाँ पर गए थे, और एक स्टेज पर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहा है। तो के पाठक का ये बयान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कभी भी सिर्फ घोषणा मात्र रह गया है, बाकी सभी प्रक्रियाएँ वो पूर्ण हो चुकी हैं। और जो बीएड और डीएलएड टीचर्स हैं, चाहे वो 6ठे चरण के हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उनके लिए सरकार खड़ी है। जो भी जैसा भी फैसला होगा, उनको उनकी नौकरी पर बनाए रखने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। तो स्वयं सुनिएगा वीडियो में, और आप देखिएगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है। अब आप आगे देखेंगे के पाठक जी का बयान। Oh.
चीज को बरकरार रखिए और हम लोग आप